हीरो और महिंद्रा ने मिलकर के लॉन्च किया ये सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, जाने कीमत और स्पेसिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, बता दें हीरो ने महिंद्रा के साथ लॉन्च करके नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे कीमत से लेके पूरी फीचर्स हम लोग जानेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं तो हीरो एंड महिंद्रा लॉन्च ऑप्टिमा हीरो इलेक्ट्रिक और महिंद्रा ने कुछ दिनों पहले ही ईवी प्रोडक्शन को लेकर के डील हुआ था, जिसके तहत दोस्तों दोनों कंपनियों ने मिलकर के एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यहाँ टीम देख सकते हैं, हीरो और महिंद्रा दोनों की टीम यहाँ मिलकर के लॉन्च किया है। ये है गाड़ी दोस्तों, गाड़ी इन्होंने लॉन्च कर दिया है सिल्वर कलर का, काफी अच्छा गाड़ी है, काफी सुंदर है। पूरी टीम देख सकते हैं, इधर आपका हीरो का टीम है, इधर महिंद्रा का टीम है, दोनों मिल करके इन्होंने यहाँ पे तैयार किया है। बात करते हैं दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हीरो इलेक्ट्रिक ने महिंद्रा समूह के साथ कुछ दिन पहले ही एक समझौता किया था। दोनों कंपनियों ने पिछले महीने ही 5 साल तक की पार्टनरशिप की घोषणा कर ली है। इस पार्टनरशिप के दौरान दोनों कंपनियां मिलकर के पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑप्टिमा लॉन्च कर दिया गया है। यह स्कूटर एमपी पीथमपुर स्थित प्लांट में तैयार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यहाँ पे तैयार किया जा रहा है यह गाड़ी। आगे बात करते हैं फीचर और स्पेसिफिकेशन की, तो दिसंबर 2021 में ऑप्टिमा को अनवेल किया गया था। इस स्कूटर में चालक अपनी इच्छा मुताबिक जो है सो स्पीड सेट कर सकता है। इसमें क्रूज कंट्रोल फीचर्स दिया गया है, क्रूज फंक्शन को भी एक्टिव करने के लिए क्रूज कंट्रोल बटन भी यहाँ पे दिया गया है। इसे एक्टिव करने के लिए आपको बता दें स्पीडोमीटर में क्रूज कंट्रोल सिंबल दिखाने लगता है एक्टिव करने के बाद, और इसे ब्रेकिंग या फिर थ्रोटल के जरिए कभी भी कहीं भी डीएक्टिवेट भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये फंक्शन यहाँ पे इसमें दिया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो स्कूटर में फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, रियर में भी ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। और वहीं इसके रेंज की बात करें तो कंपनी ऑप्टिमा में सिंगल चार्ज में 82 किलोमीटर का रेंज प्रदान करेगी। इसमें बता दें 51.2 वोल्ट और 30 AH की लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है, जो कि फुल चार्ज करने में 4.5 घंटा यानी 4.5 घंटा का समय यहाँ पे लगता है। इसमें BLDC मोटर मिल जाएगा दोस्तों, जो बाजार में इवोलोट पोलो यो ईडल उसके बाद एम्पियर रियो और इवोलेट डेबरी को टक्कर देगी। बता दें जिसकी कीमत 50,000 रुपये के करीब है। जी हाँ दोस्तों, बता दें 50,000 रुपये करीब जितना जो भी स्कूटर है सभी को यहाँ पे टक्कर देने जा रही है। आगे बात करते हैं कीमत और कलर ऑप्शन का, तो दिल्ली के शोरूम में हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा HX की सिंगल बैटरी वाला कीमत 55,580 रुपये एक शोरूम है। वहीं ऑप्टिमा में आपको बढ़िया कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। वेरियंट के हिसाब से आपको बता दें टोटल 4 कलर ऑप्शन है, जिसमें से ब्लू है, ग्रे है, उसके बाद रेड है और व्हाइट है। टोटल 4 कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं तो पीथमपुर फैसिलिटी में प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये स्कूटर महिंद्रा के प्लांट में बनेंगे। ऑप्टिमा और NYX HX स्कूटर का जो प्रोडक्शन पीथमपुर फैसिलिटी में यहाँ पे किया जा रहा है। वहीं ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप में दोनों कंपनियाँ जो है महिंद्रा और स्वामित्व वाले कंपनी यहाँ पे पुगित मोटरसाइकिल के साथ यहाँ पे पोर्टफोलियो के लिए विद्युत तैयार किया जा रहा है। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों तो इनका जो टारगेट है हर साल 10 लाख ईवी उत्पादन का टारगेट। जी हाँ दोस्तों, इस पार्टनरशिप की मदद से हीरो इलेक्ट्रिक का टारगेट 2022 के अंत तक हर साल 10 लाख ईवी उत्पादन करना है। और इस पार्टनरशिप के जरिए महिंद्रा और हीरो दोनों मिलकर के कंपनी जो है सो ईवी बनाने का काम करेगी और सप्लाई चेन और प्रोडक्शन में भी यहाँ पे काम करने जा रही है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो हीरो को एक बहुत बड़ा जो है सो जान मिल चुका है। महिंद्रा के साथ मिल करके इन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया है। दोनों मिल करके 10 लाख से ज़्यादा स्कूटर हर साल बनाएंगे और मार्केट में तहलका मचाने के लिए एक बार आ जाएंगे। तो आप लोग कॉमेंट में बताइएगा दोस्तों, ये हीरो और महिंद्रा का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है उसमें आप दिलचस्पी दिखाते हैं या नहीं, आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि इससे कंपनी और हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।